एक खिलाड़ी जिसने 10 बार सुसाइड करने की कोशिश की, एक खिलाड़ी जिसका 11 साल की उम्र में शारीरिक शोषण किया गया, एक खिलाड़ी जिसके कोच ने उसका शारीरिक शोषण किया। यूं तो कहते हैं कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और सामने अगर भगवान और गुरु दोनों खड़े तो शिष्य को पहले गुरु के पांव छूने चाहिए, क्योंकि वो गुरु ही है जिसने भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गुरु शिष्य की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। ये कहानी है इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर एंडी वुडवाई की, जिनका पूरा करियर उनके गुरु बैरी बेनेल ने ही तबाह कर दिया था। ये कहानी है वुडवार्ड के साथ हुई हैवानियत की, जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। दरअसल एंडी वुडवार्ड जब महज 11 साल के थे तो उनके कोच बैरी बेनेल ने उनका शारीरिक शोषण किया था। एंडी वुडवाई ने 43 सालों तक ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अपनी किताब में उन्होंने खुद के साथ हुई इस हैवानियत का पूरा किस्सा लिखा। एंडी वुडवाई के साथ ये दरिंदगी उस वक्त शुरू हुई जब वो स्टॉकपोर्ट बॉयज क्लब के लिए खेल रहे थे और बेनेल ने उन्हें अपनी टीम से खेलने के लिए बुलाया। बेनेल का काम 9 से 14 साल की उम्र के बच्चों का टैलेंट निखारना था, लेकिन इस गुरु ने अपने शिष्य को ऐसा घाव दिया जिससे उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। आपको बता दें कि एंडी वुडवाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बस एक अच्छे फुटबॉलर बनना चाहते थे। वुडवाई के मुताबिक वो काफी शालीन किस्म के लड़के थे और बेनेल ऐसे ही बच्चों को अपना शिकार बनाता था। वुडवार्ड ने बताया कि बेनेल उन्हें अपने घर लेकर गया और उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने लगा। इसके बाद एक दिन उसका शारीरिक शोषण किया गया। इतना ही नहीं, अपने इस घिनौने काम को छुपाने के लिए वो वुडवार्ड को अपनी ताकत का रौब दिखाकर ब्लैकमेल भी करता रहा। वुडवार्ड की दर्दनाक कहानी यहीं नहीं खत्म होती है। दरअसल कोच बेनेल ने उसकी 16 साल की बहन के साथ भी ऐसी हरकत की थी। बेनेल ने वुडवार्ड की बहन के साथ भी संबंध बनाए, और बाद में जब ये बात सार्वजनिक हो गई तो उसने वुडवार्ड की बहन से शादी कर ली थी। वुडवार्ड डर के मारे कभी किसी को ये बात नहीं बता सके। वो इसी बोझ के तले दबे रहे और इसका असर उनके पूरे करियर पर। बचपन में हुए इन अत्याचारों की वजह से ही वुडवार्ड ने महज 29 साल की उम्र में संन्यास लिया था, क्योंकि मैच के दौरान भी उन्हें शारीरिक शोषण की घटनाएं याद आती थी। आपको बता दें कि वुडवार्ड ने इन सब चीजों की वजह से 1-2 नहीं 10 बार सुसाइड करने की कोशिश की। साल 2018 में बेनेल को 40 से ज्यादा बच्चों को शारीरिक शोषण करने का दोषी भी पाया गया और 30 साल की सजा मुकर्रर की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टॉक।